तो इसलिए जो चीज नहीं आती है उस पर थोड़ा सा वक्त दीजिए, अगर नहीं आती जस्ट लीव, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो इसलिए मैथ वालों के लिए ये बताते हैं, जिनका 12th चल रहा है, 12th के साथ बोर्ड भी चल रहा है, उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ। हाय गाइस, दिस इज व्यूज एंड फाइनली मैं ये नया वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ गेट पोर्शन का, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास इंस्टाग्राम प्लस वीडियो के कमेंट में आप लोगों ने दी थी कि गेट पोर्शन नहीं एग्जैक्ट पता है कि क्या आता है, प्लस बहुत से बच्चे हैं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बुक उनके पास प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट में गेट पोर्शन नहीं समझ पाते हैं कि निफ्ट एंड एनआईटी में एग्जैक्ट पोर्शन क्या आता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि गेट पोर्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे आती हैं, क्या इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसलिए सबसे पहले है जो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल आइकन, जिससे कि सबसे पहले वीडियो की अपडेट आपके पास पहुंचे, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो अबाउट NIFT एंड NID सिलेबस एंड ऑल। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पार्ट आता है NIFT में गेट पोर्शन में, वो आता है क्वांटिटेटिव अवेलिटी। अवेलिटी में क्या होता है कि आपके हैं जो सब मिला के 17 चैप्टर हैं जिन पे आपको वर्क करना है, जैसे कि मैं मेंशन कर दे रहा हूँ यहाँ पे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, जिसपे मैं स्टार बना दूं तो आप लोग समझ जाइए कि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इनको आप पे वर्क करना ही होगा। प्लस जिन पे स्टार नहीं लगा, इसके मतलब ये नहीं कि इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट आपको उस पे वर्क करना होगा। तो चलिए हम लाइन बाय से आपको बताते हैं सारे चैप्टर्स के नाम, जैसे कि नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, मिक्सचर ऑफ एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जैसे कि ऐसे चैप्टर्स हैं जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी में आपसे पूछे जाएंगे। प्लस सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आप लोगों की नॉर्मल सा सिलेबस है जो कि आप 10th 12th में पढ़ते हुए आए हो, प्लेन ज्योमेट्री, मेंसुरेशन क्लॉक एंड कैलेंडर्स, प्लस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि आप लोग पढ़ते आए हो। तो बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, ज्यादा हार्ड नहीं है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस एंड चैप्टर्स आल्सो। तो डाटा इंटरप्टेड एंड डाटा सफिशियंसी, ये चैप्टर्स आपके क्वांटिटेटिव में पूछे जाएंगे। तो हम आपको बता देते हैं, कई लोग पूछते हैं कि मेरी मैथ नहीं सही है, ये नहीं सही है, बट जो ये चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं ये बहुत ही सिंपल चैप्टर्स हैं, क्वेश्चंस भी बहुत ही इजी आते हैं। अगर आपने इस पे है जो एक चैप्टर्स पे एक दिन वर्क कर लिया तो फाइनली आपका NIFT क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस एक या दो हर एक चैप्टर से पूछे जाते हैं। प्लस जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ इम्पोर्टेंट चैप्टर है, प्लीज आप एक बार जरूर अच्छे से वर्क कीजिएगा, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चंस बहुत ही इजी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बता देते, प्लस आप उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट रह सकते हो थ्रू द इंस्टाग्राम, हर संडे को मैं वहां पे लाइव आता हूँ, आप उससे कन्वर्सेशन कर सकते हो, प्लस अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हो मुझसे। दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, मुझे फॉलो कीजिए, और NIFT एंड NID से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहां पे स्टोरी के थ्रू सबको बताता हूँ। तो चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होने वाला है, जो कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रेहेंशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है NIFT गेट पोर्शन का, क्योंकि कम्प्रेहेंशन 4 या 5 कम्प्रेहेंशन आते हैं, कम्प्रेहेंशन वही कर पाएगा जिसने है जो वर्क किया होगा, क्योंकि उसमें बहुत ही लेंदी आते हैं, आपके आधे घंटे कब चले जाएंगे, एक घंटे आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करने की इसपे बहुत ज्यादा नीड है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। तो चलिए आज हम बताते हैं, जैसे कि स्पोर्टिंग इरर्स, स्पोर्टिंग इरर्स का मतलब अल्फाबेट वो अरेंज कर देते हैं, कहीं पे अल्फाबेट गायब रहता है, कहीं कुछ तो वैसे रीअरेंज होगा, आपको वो करना होगा। स्पोर्टिंग इरर्स हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, ये बहुत ही इजी है जो सिलेबस है इनका, अगर आप अच्छे से वर्क करते हो तो बहुत ही अच्छे से क्वालिफाई होने वाला है NIFT। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, आपको जो भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स होगा आपको बस रट लेना है, क्योंकि वहां पे है जो कुछ एक्स्ट्रा अलग ही पूछते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स,
जो कि आपको रिलेट करना पड़ता है, आपका वहाँ कॉमन सेंस काम आता है ना कि रटा हुआ। बट कई बार ऐसे होते हैं कि जो आप पढ़े होते हैं उसी से रिलेटेड पूछ देता है। स्पेलिंग टेस्ट प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, idioms एंड फ्रेज, क्लोज टेस्ट प्लस रीडिंग कम्प्रहेंशन। ये आपका इंग्लिश का पार्ट है। आपकी इंग्लिश में बस इतने ही 10 चैप्टर्स हैं जिन पे आपको वर्क करना है। प्लस सबसे पहले हम बता दें, आप लोग पूछ रहे हो कहाँ से करें ये वर्क, कैसे करना है, तो अगर ये चैप्टर्स आपकी किसी बुक में है आप वहां से पढ़ सकते हो, जैसे idioms phrase हो गया, antonyms synonyms हो गया, ये आप लोग कहीं से भी पढ़ सकते हो, इसका कोई सिलेबस नहीं होता है। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीजें आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। जिनके पास बुक नहीं अगर वो लेना चाहते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मैंने है जो बुक की लिंक्स दे दी, आप वहां से बुक खरीद सकते हो। जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं प्लीज आप कहीं से चैप्टर्स देखिए, आप वहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। प्लस जो थर्ड पोर्शन आता है कैट पोर्शन, तो वो आता है एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें कि आपकी रीजनिंग्स होती है, बहुत ही इजी रीजनिंग्स आती है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि क्या क्या उसमें पूछा जाता है। अल्फाबेट टेस्ट, वर्क फॉर्मेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी टेस्ट प्लस क्लासिफिकेशन, सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे सिटिंग अरेंजमेंट कैसे, कि जैसे दो बच्चे बैठे हैं, दो के तीसरे नंबर पे राम बैठा है, राम के चौथे पे है जो श्याम बैठा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, ये भी पूछा जाता है। प्लस डायरेक्शन टेस्ट की, मतलब कि आप एक जगह पे वेस्ट में खड़े हो और प्लस आपको 40 सेंटीमीटर लेफ्ट मुड़ने को कहता है, 20 सेंटीमीटर राइट मुड़ने को कहता है, 10 सेंटीमीटर स्ट्रेट जाने को कहता है, तो आप किस दिशा में पहुंचोगे, फाइनली आपका फेस किस दिशा में होगा, तो ये पूछा जाता है। डायरेक्शन एंड ब्लड एंड रिलेशनशिप, ऑब्वियस बात है ब्लड एंड रिलेशनशिप सब जानते हैं कि उसमें बताते हैं मौसी के भाई के ननंद का लड़का, ऐसे करके आपका उससे रिलेशन क्या होगा, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये सारे क्वेश्चंस और चैप्टर्स ऐसे हैं कि आप नॉर्मली किसी कंपटीशन एग्जाम के बुक से पढ़ सकते हो, अगर आप बुक नहीं अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो प्लीज बुक खरीदिए, आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जहां से खरीदना है आप वहां से ले सकते हो, उसका सिलेबस आपको मिल जाएगा। आगे का सिलेबस जो है और क्या इसमें आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, इनपुट एंड आउटपुट, डाटा सफिशियंसी। डाटा सफिशियंसी में क्या होता है, आपको डाटा दे दिया जाएगा कि 2016 में इतना गया है, 2018 में इतना गया है, प्लस क्वेश्चन उसी में पुट करते हैं, आपको प्लस माइनस करके मैथ के थ्रू आपको डाटा सफिशियंसी बताना होगा कि आपका एग्जैक्ट आंसर क्या है। प्लस इलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेटमेंट एंड इट्स प्रोडक्ट, मतलब स्टेटमेंट एंड इट्स प्रोडक्ट्स में क्या होता है ना, इस प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर किसी के बारे में स्टेटमेंट दिया जाता है कि ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल डॉग्स आर कैट, ऐसे करके आप लोग देखोगे तो पता चल जाएगा, बिकॉज सारा चीज भूल चुका हूँ कि कैसे क्या होता है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, आप बुक में देख सकते हो। वेन डायग्राम, क्यूब एंड डाइस, क्यूब एंड डाइस में क्या होता है कि आपको 6 के पीछे 1 है, 1 के ऊपर अगर ये दिया तो उसके पीछे क्या आएगा, ऐसे करके पूछा जाता है। फिगर एनालॉगी, इमेज टेस्ट प्लस काउंटिंग ऑफ फिगर्स आता है, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स आता है, पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, कि पेपर को चार चीजों में फोल्ड करके अगर ये कट लगाते तो ओपन करने में कैसा उसका रिजल्ट आएगा, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर। तो फाइनली आपका इतना ही कोर्स है जो उसमें एनालिटिकल एबिलिटी में है। प्लस आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आपका और क्या कोर्स आता है जो कि सभी लोग हमेशा जनरल नॉलेज करते हो, तो आज हम आपको बता दें कि जीके में क्या क्या पूछा जाता है, जो क्या लिखा हुआ बुक में एंड एग्जैक्ट में पूछा गया जाता है। तो जनरल नॉलेज आपको बता दें, यहाँ पे लिखी हुई है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स प्लस इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज,
ये लिखा हुआ है बट ऐसा कुछ पूछा इतना खास नहीं जाता है। बट मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप इसको पढ़ो ही मत, नहीं पूछा जाएगा। बट हाँ, आप थोड़ी सी नॉलेज रखिए कि क्या पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी में क्या चल रहा है, बायो में क्या चल रहा है आजकल। बट जो एग्जैक्ट में जनरल नॉलेज पूछी जाती है वो करेंट अफेयर्स पूछा जाता है, रिलेटेड टू ओलंपिक गेम्स एंड ऑल, जो भी एक साल के अंदर जितनी भी चीजें हुई, मोदी से रिलेटेड हो गया, फैशन डिजाइनिंग, प्रोडक्ट प्लस एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, ऐसे बहुत सारी जनरल नॉलेज के थ्रू पूछी जाती है आपसे क्वेरीज। तो आप वहां पे जाके पढ़ सकते हो, बहुत बड़ा सिलेबस मेरा पिछला वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, प्लस आई बटन पे आप वहां से पढ़ सकते हो, प्लस मेरे प्रीवियस वीडियोस आप पढ़ सकते हो, सारा देख सकते हो कि मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है कि निफ्ट को कैसे क्वालिफाई करते हो, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शंस में जाना पड़ेगा। तो फाइनली आज मैंने गैट का पोर्शन आपका बीडस वालों का तो कवर ही कर दिया है कि एग्जैक्ट में क्या पूछा जाता है, बीडस का एग्जैक्ट में यही पोर्शन है, आप लोग इस पे ही वर्क कीजिए और आपका निफ्ट क्वालिफाई हो जाएगा। प्लस सबसे पहले आपको बता देते हैं कि लोगों के बहुत सारी क्वेरीज आई हैं मैथ्स से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड एंड ट्वेल्थ वो कर रहे हैं, तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि जिनकी मैथ नहीं अच्छी है प्लीज आप लोग वर्क करो। मैं मना नहीं करूंगा कि आप वर्क मत करो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम से छोड़ दो, आप वर्क करो, थोड़ा कम टाइम दो, बट जहां पे मन लग रहा आप वहां पे ज्यादा टाइम दो, क्योंकि आप अगर उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर में वो भी नहीं कर पाओगे, आप ये भी नहीं कर पाओगे, तो इसलिए उस पर ज्यादा वर्क दो। अपना टारगेट बना के चलो कि नहीं, मुझे 10 में से 10 वो क्वेश्चन पुटअप करने ही है, मुझे सारे सॉल्व करने ही है, तभी निफ्ट क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसलिए जो चीज नहीं आती है उस पर थोड़ा सा वक्त दीजिए, अगर नहीं आती जस्ट लीव, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो इसलिए मैथ वालों के लिए ये बताते, जिनका 12 चल रहा है, 12 के साथ बोर्ड भी चल रहा है, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका अगर बोर्ड चल रहा है बोर्ड की प्रिपरेशन कीजिए, इसकी भी प्रिपरेशन हफ्ते में एक दिन हो सकती है आराम से, डूडलिंग आप बना सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो, जिसका कि 70% वेटेज है 20% सिचुएशन को लेके, तो इसलिए आप वहां से भी क्वालिफाई कर सकते हो। 12th आप कर रहे हो, गैट पोर्शन ऑब्वियस बात है आपका अच्छा होगा, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं, हर एक चीज के लिए टाइम निकालना पड़ता है, वो आपको निकालना हो वो मैं नहीं निकाल सकता हूं, तो इसलिए आप इस पे थोड़ा सा वर्क कीजिए। प्लस इंस्टाग्राम पे मुझसे है जो ऐड हुई है इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ से मुझसे ऐड हो सकते हो, प्लस सारे क्वेश्चंस लाइव वीडियो में पूछ सकते हो। तो फाइनली आज मैंने सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे गैट पोर्शन को लेके, तो आगे आने वीडियोस बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब, क्लिक द बेल आइकन एंड कमेंट ऑल्सो। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।